Assalamualaikum friends and welcome back to Sunday Tech Fact episode 9, जहां पे हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर। और आज इस वीडियो के अंदर हम काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि रिलेटेड होने वाले हैं PUBG से रिलेटेड। जी हाँ, आप लोगों की बहुत ही मोस्ट फेवरेट गेम जिसे दुनिया में बहुत पसंद किया जाता है और बहुत सारे लोगों की बहुत ही फेवरेट गेम है। वो अलग बात है, मुझे नहीं पसंद। फ्रेंड सिस्टम भी मार्केट में कोई ना कोई नई गेम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती है तो उस गेम का एक प्री ऑर्डर वर्जन यहाँ पे रखा जाता है, मतलब लॉन्च होने की डेट से पहले पहले उन लोगों को वो गेम प्रोवाइड कर दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर 10 तारीख को गेम की लॉन्चिंग है तो 5 तारीख को आप लोगों को वो गेम मिल जाएगी, लेकिन वो प्री ऑर्डर जिन लोगों ने की होती है उन्हें थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं उस गेम के लिए। और ऐसे ही पबजी के साथ हुआ था, जिस टाइम यहाँ पे पबजी लॉन्च करने वाले थे तो उससे पहले उसका प्री ऑर्डरिंग चल रही थी और जिन लोगों ने उस गेम को, मतलब पबजी गेम को प्री ऑर्डर में परचेज कर लिया था, प्री ऑर्डर में इंस्टॉल कर लिया था, तो वहाँ पे उन लोगों की एक स्पेशल किस्म का कपड़ा दिया गया था जहाँ पर प्लेयर गेम के अंदर अपने मुँह पर लगा सकता है। और वो कपड़ा सिर्फ उन लोगों को दिया गया है जो सिर्फ यहाँ पर प्री ऑर्डर की थी जिन लोगों ने गेम को। अब उसके बाद आप लोगों को अभी तक किसी क्रिएटर के अंदर इस तरह का कोई भी कपड़ा नहीं देखने को मिलता, लेकिन अभी कुछ कुछ कंट्रीज में आप लोगों को वो वाला कपड़ा दोबारा देखने को मिल जाता है, मतलब उसे परचेज कर सकते हैं आप लोग स्टोर में जाके, लेकिन उसकी प्राइस ऑलमोस्ट $1,000 के करीब है, मतलब पाकिस्तानी तकरीबन 156,000 रुपए यहां पे उसके बनते हैं। तो अभी भी लोग उसे परचेज करते हैं और अंदाजा लगा सकते हो कि लोग कितने अमीर हैं या शायद यहाँ पे लोगों के पास कितना फालतू पैसा है कि वह एक वर्चुअल कपड़े को परचेज कर रहे हैं 156,000 रुपए के अंदर। अब फ्रेंड्स, दुनिया में हर चीज़ का एक ना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है और गेमिंग फील्ड के अंदर डोटा 2 के पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जिसके एट अ टाइम सबसे ज़्यादा प्लेयर्स खेले गए थे उसकी गेम को, मतलब एट अ टाइम बहुत ज़्यादा लोगों ने उस गेम को खेला था और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। और ये पबजी गेम थी जिसने डोटा 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया था, मतलब यहाँ पे 134,280 प्लेयर्स ने एट अ टाइम पबजी को प्ले करते हुए डोटा 2 का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। और यहाँ पे इतने ज़्यादा प्लेयर पबजी के अंदर आ गए थे, जैसा कि आपको पता होगा कि तकरीबन 2018 के शुरुआत से लेके 2019 के मिड तक ये पबजी बहुत ज्यादा फेमस गेम रही थी। अब इतने ज़्यादा प्लेयर आप लोगों को जिस टाइम पबजी के अंदर देखने को मिलते हैं, बट इतने ज़्यादा प्लेयर्स होने के बावजूद आप लोगों को पबजी गेम के अंदर बोट्स देखने को मिलते हैं, मतलब अगर आप लोग गेम प्ले कर रहे होंगे तो वो कुछ ऐसे यहाँ पे आपके सामने से एनिमीज आ रहे होंगे जो कि रियलिटी में बंदे नहीं होंगे, मतलब हर सर्वर में 100 बंदा आएगा, मारेंगे, आखिर में एक रह जाएगा, लेकिन उन 100 के अंदर सारे बंदे नहीं होंगे, उनमें से कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 10 बोट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो बोट्स डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं। मतलब जिस टाइम आप यहाँ पे स्टार्टिंग में जा रहे हैं गेम प्ले करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोट्स दिखाई देंगे, मतलब जहाँ पे आगे आपके आगे आगे भागना शुरू हो जाएंगे, आपको देख के वहीं पे बैठ जाएंगे, वहीं पे लेट जाएंगे इनफैक्ट, और आप जाके इजीली उसे गोलियां मार देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बोर्ड्स दिखाए जाते हैं, बेसिकली यहाँ पे गेम की डिफिकल्टी को थोड़ी कम करने के लिए बोर्ड्स दिखाए जाते हैं ताकि बंदा थोड़ा अट्रैक्ट हो गेम की तरफ और फिर आस्ता आस्ता अपने लेवल्स को इंक्रीज करता जाए। और जिन लोगों के लेवल बहुत ज़्यादा हाई हैं उन्हें इस तरह के बोर्ड्स नहीं दिखाए जाते, बहुत कम चांस होता है कि कोई ऐसा प्लेयर बिल्कुल सर्वर ज्वाइन हो चुका हो और बिल्कुल गेम के अंदर जाने वाला उस टाइम को लीव करके चला जाए, तो उसकी जगह एक बोर्ड डाल दिया जाता है। अदरवाइज जिस बंदे का लेवल बहुत हाई है वहाँ पर बोर्ड्स नहीं आते। और फ्रेंड्स, पबजी गेम को ग्रेडन ग्रीन नाम के बंदे ने यहाँ पे डेवलप किया था और बेसिकली ये ग्रेडन ग्रीन जो थे उन्होंने ये पबजी गेम को भी एक और गेम से इंस्पायर होकर बनाया था। बेसिकली यहाँ पे ग्रेडन ग्रीन काफी सारी गेम्स यहाँ पे डेवलप करते रहते थे, किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए थे, और वहाँ पे एक डेज मोड था जो आर्मा गेम्स के लिए यहाँ पे बनाया जाता था। आर्मा बेसिकली एक गेम ही है पबजी की तरह, यहाँ पे देखने को मिलती है, गूगल जाके कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली उसका डेज मोड बना रहे थे जहाँ पे उन्होंने एक बैटल रॉयल बनाया था, उसके बाद उन्हें आइडिया आया इंस्पायर्ड हुए से कि मैं ऐसी अपनी भी एक गेम डिजाइन कर सकता हूं जहां पे ये बैटल रॉयल वाला सिस्टम होगा। बैटल रॉयल सिस्टम वो होता है कि जहां पे 100 बंदे एक जगह पे उतारे जाते हैं, आपस में लड़ते मारते रहते हैं, दूसरे का कत्ल वगारत करते रहते हैं, आखिर में जो एक सिंगल बच जाता है उसे यहां पे जिता दिया जाता है। तो बेसिकली वो इस गेम से इंस्पायर थे, फिर उसके बाद उन्होंने ये गेम बनाई, उसके बाद उन्होंने खुद से इस गेम को प्ले किया। और यहां पे सवाल आता है कि पबजी का नाम पबजी क्यों है, तो बेसिकली यहां पे जिस टाइम वो इस गेम को प्ले करते थे तो ज्यादातर अपना नाम अननोन रखते थे, तो इस वजह से उन्होंने इस गेम का नाम ही रख दिया प्लेयर्स अननोन बैटल ग्राउंड। पूरी गेम पता चल जाती है, अननोन है, बैटल ग्राउंड है, तो स्कून से प्ले करते रहो, कत्ल गारत करो और आखिर में चिकन डिनर डिनर चिकन 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 करते रहो।
अब विनर विनर चिकन डिनर का नाम यहाँ पे छेड़ ही गया, तो यहाँ पे इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि आपको पता होगा कि जिस टाइम भी आप गेम प्ले करते हैं, आपकी टीम या अगर सोलो मोड में खेल रहे हैं, तो सिंगल आप अगर गेम को प्ले करते हैं और विन कर देते हैं, तो वहां पे आपको दिखाया जाता है विनर विनर चिकन डिनर। बेसिकली विनर विनर चिकन डिनर पबजी से पॉपुलर हुआ है, लेकिन विनर विनर चिकन डिनर सिर्फ पबजी का डायलॉग नहीं है। अब ब्रेंडन जिस टाइम गेम्स बनाते थे, तो काफी सारी गेम्स के अंदर इस डायलॉग को यूज कर चुके हैं। और इनफैक्ट ये विनर विनर चिकन डिनर एक बहुत पुराना डायलॉग है, मतलब सदियों पुराना डायलॉग है, सदियों पुराना। यहाँ पे लोग जिस टाइम बैटिंग करते थे, जिस टाइम जुआ खेलते थे एक दूसरे के साथ, और जिस टाइम वो जुआ खेल के फारिग होते थे और जो बंदा जीत जाता था, तो तब कहते थे विनर विनर चिकन डिनर। और जो बंदा जीता होता था, ऑफ कोर्स उसके पास पैसे होते थे, अब वो किसी महंगी चीज को अफोर्ड कर सकता था। तो उस टाइम चिकन को, मतलब मुर्गी को, एक बहुत ही प्रीशियस चीज माना जाता था। और उस टाइम फिर उस मुर्गी को वहां पे फ्राई वगैरह करके या जो भी सजी सजी बना के यहाँ पे खिलाया जाता था जितने भी लोग होते थे। तो तब उस सदी में, उस टाइम से अभी तक यहाँ पे चलता आ रहा है विनर विनर चिकन डिनर, और अब जाके ये डायलॉग पबजी से पॉपुलर हो गया है। तो शायद ये चीज आप लोगों को पहले नहीं पता होगी, अब आप लोगों को पता चल चुकी है, तो आप जाके अपने दोस्तों को बताइएगा। मैं अब जुआ मतलब मैं अब गेम विन कर आया हूँ, और अब मैं यहाँ पे आप सबको चिकन खिलाऊंगा, फिर देखते हैं किस तरह आपके दोस्त आपके पीछे पड़ते हैं। और फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को पता है कि PUBG मोस्ट सेलिंग गेम है ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। जिस टाइम यहाँ पे 23 मार्च 2017 को PUBG स्ट्रीम के ऊपर लॉन्च की गई थी। अब स्ट्रीम बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया भर की गेम वहाँ पे लगा जाती है, मतलब कोई भी कंपनी जिस टाइम अपनी गेम बनाती है तो वो जाके स्ट्रीम पे लगाती है, और स्ट्रीम से फिर कोई भी गेम यहाँ पे बाय की जा सकती है। ऐसे जिस तरह आप लोग प्ले स्टोर से सारी एप्स को डाउनलोड करते हैं, तो गेमिंग का हब स्ट्रीम होता है। तो वहां पर जिस टाइम इसे लगाया गया था, तो दुनिया की सबसे ज्यादा ये सेल होने वाली गेम थी, जहां पे एक मंथ के अंदर 2 मिलियन कॉपी सेल हो चुकी थी इसी PUBG की। तो ये बहुत बड़ा नंबर यहां पे निकल कर आता है। And do you know this PUBG game didn't do any advertisement? मतलब यहाँ पे PUBG game का किसी भी किस्म का कोई ad नहीं बनाया गया था, किसी भी किस्म की advertisement नहीं की थी, और उसके बगैर ही ये game यहाँ पे चलती गई और popular होती गई। मतलब दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि word to mouth ही game यहाँ पे popular होती गई है। word to mouth basically होता है कि मतलब मैं कहूँ कि भाई वो चीज बहुत अच्छी है, और वो दूसरा बंदा सुने और वो भी आके उसे चूज करे। जिस तरह होता है ना कि अबे सुन, तू वो PUBG गेम खेली है, बड़ी जबरदस्त गेम है यार, और आपका दोस्त कहता है वो अच्छा, हाँ मैंने सुना तो है, मैं जाके इंस्टॉल करूंगा, अबे यार क्या तो वही गेम है, मैं तो जाके से खेलूंगा। तो इस तरह के जो वर्ड टू माउथ होते हैं ना, तो ये बड़े अट्रैक्ट करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, और ऐसे वर्ड्स किसी ऐसी चीज के लिए बोले जाते हैं जो कि चीज वाकई अच्छी होती है। और वो जिसे कहा जाता है ना कि जो अच्छी चीज होती है उसकी एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं होती है। जो बंदा एक दफा इस्तेमाल कर लेता है, यूज कर लेता है, वो खुद इसका दीवाना हो जाता है, और लोग उसकी दीवानगी को देख के उसके आशिक के पीछे लग जाते हैं। अरे मैं तो शायर बन गया। तो वेल फ्रेंड्स, होप सो कि आप लोगों के सारे फैक्ट्स अच्छे लगे होंगे PUBG से रिलेटेड। ये काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, और उससे भी ज्यादा और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, लेकिन अभी टाइम की बहुत कमी है। तो उन सारे फैक्ट्स को अगर आप लोगों ने जानना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं हर संडे ऐसी किसी न किसी कंपनी के ऊपर या किसी न किसी स्पेसिफिक चीज के ऊपर फैक्ट्स लेकर आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो से लेकर वीडियो को लाइक कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम सजेशन है, नीचे जाकर कमेंट में बता सकते हो, और आप लोग इनफैक्ट ये भी बता सकते हो कि अगला संडे टेक फैक्ट मैं किस टॉपिक के ऊपर बनाऊँ। और चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लो अगर अब तक उन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मैं फ्रेंड्स आप लोग से नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।